सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से मेरे बीजीएमआई के एक और नई वीडियो में। एंड कैसे यार, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अनलिंक बीजीएमआई टू सोशल मीडिया अकाउंट। यानी कि अगर आप लोगों ने अपना बीजीएमआई अकाउंट दो सोशल मीडिया से लिंक कर रखा है कुछ मेरी तरह का इस तरीके से, तो अगर आप लोग इनको अनलिंक करना चाहते हो तो कैसे अनलिंक कर सकते हो, वो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो बताने वाला हूँ। सो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुमको सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के अंदर अकाउंट के अंदर आना है, और अकाउंट के अंदर ही आप लोग को यहाँ पे जो है आप लोग का जो अकाउंट के जो बीजीएमआई अकाउंट है जिस चीज़ से लिंक है वो आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखो फिलहाल तो यहाँ पे अभी आप लोग देखो तो यहाँ पे मेरा फिलहाल अभी जो मैंने करंट टाइम जो लॉगिन कर रखा है वो फेसबुक से लॉगिन कर रखा है, और मेरा जो दूसरा अकाउंट है वो यहाँ पे जो है ट्विटर का, जो कि मेरा यहाँ पे बीजीएमआई आईडी से लिंक है, ठीक है। यानी कि मेरे दोनों ही यहाँ पे मैं जो अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक है, और मैं किसी से भी अपना जो है इस आईडी को लॉगिन कर सकता हूँ, ट्विटर से भी और अपना फेसबुक से भी, ठीक है। और मेरा यही एक ही अकाउंट जो है बीजीएमआई का ओपन होगा, ठीक है। अब इसको अनलिंक करने का प्रोसेस क्या है कि सिंपल से आप लोग यहाँ पे देखो तो आपको एक अनलिंक का ऑप्शन मिलेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने आप लोग करने के बाद आप लोगों को इस तरीके से जो है ऑप्शन आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलेंगे तो अगर आप लोग वो चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं आप लोग नहीं पढ़ सकते तो आप लोग सिंपल से इसके ऊपर येस करना है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया जो है वन नंबर पर कि आप लोग का जो अकाउंट है बीजीएमआई का वो दो सोशल मीडिया से लिंक होना चाहिए, जब आप लोग एक को रिमूव कर पाओगे, ठीक है। तो यार ये तो चीज़ मतलब होगी तभी रिमूव हम कर पाएंगे ना, तो इस पॉइंट को छोड़ते हैं। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे जो है हमारा जो है कि हमारा जिस भी चीज़ को हमको रिमूव करना है, जैसे कि मेरा अभी फेसबुक से लिंक है, ठीक है अकाउंट, जैसे तुम लोग अभी देखो तो मेरा फेसबुक से लिंक है, तो मेरे को यहाँ पे जो है इसको ट्विटर से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जैसे मान के चलो कि अगर आपको जिस भी चीज़ को रिमूव करना है, जैसे कि अगर आपको ट्विटर से हटाना है या फिर फेसबुक हटाना है, तो आपके उसके अपोजिट दूसरे अकाउंट से आपको जो है बीजीएमआई के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मेरा अभी फेसबुक से लॉगिन है मेरा अभी जो है बीजीएमआई, तो मैं अभी यहाँ पे जो है ट्विटर को अनलिंक कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ट्विटर से लॉगिन कर लूँगा तो मैं फेसबुक को अनलिंक कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ अभी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तीसरों का यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप लोग किसी भी मतलब अकाउंट को अनलिंक करना चाहते हो, जैसे कि मान के चलो मेरा ट्विटर को मैं अनलिंक करना चाहता हूँ, ठीक है, अपने फेसबुक से, और मैंने अभी करंट में फेसबुक जो है लॉगिन कर रखा है, तो आप लोग का जो फेसबुक का अकाउंट है वो 30 दिन पुराना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप लोग का यहाँ पे जो है 30 दिनों का यहाँ पे टाइमिंग होना चाहिए इसका, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने जैसे कि आपने लिंक कर लिया और उसके बाद आप दूसरे दिन इसको अनलिंक करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। आपका पहले 30 दिनों तक आपको इससे मतलब इसको यूज़ करना पड़ेगा फेसबुक को, फेसबुक से अपने गेम को, तभी जाके आप लोग इसको यहाँ पे हटा पाओगे, ठीक है। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है, तो तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। एंड उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आप लोग का गाइस, यहाँ पे आप लोग का जो अकाउंट है जो भी आप लोगों ने मान के चलो आप लोगों ने जैसे ट्विटर लिंक कर दिया अपना आज, वो आप इसको कल दोबारा से इसको हटाना चाहते हो, आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। लगभग आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आप लोग का जो कुल मिलाकर जो गेम है वो लगभग यहाँ पे 15 से 30 दिनों तक यहाँ पे लिंक रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको अनलिंक कर पाओगे। एंड गाइस यार, इसके बाद हमारा जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर आप लोग जिस भी अकाउंट को अनलिंक करना करोगे तो उसमें आप लोग को यहाँ पे टोटल 7 दिनों का टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अनलिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं यस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को जो है एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर दे रहा है कि आप लोग यहाँ पे सच में अपना जो अकाउंट है वो अनलिंक करना चाहते हो, तो हाँ ठीक है, मैं अपना अकाउंट लिंक अनलिंक करना चाहता हूँ, तो सिंपल से आपको अप्लाई टू अनलिंक के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसे आप लोग अप्लाई टू अनलिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे होगा क्या कि आप लोग को यहाँ पे जो है 6 डे का टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली 6 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पूरे 7 दिन यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, जैसे आप लोगों का 1 सेकंड कम होता है तो यहाँ पे जो है 6 डे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो अगर आप लोग को यहाँ पे करना क्या है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग अब ट्विटर को यहाँ से जैसे आप लोग अनलिंक कर चुके हो, यहाँ पे टाइम आ चुका है आपका 6 दिन का, तो अब आप लोग को यहाँ पे ट्विटर को ओपन नहीं करना है, ठीक है। यानी कि ट्विटर को आप लोग को जो है ट्विटर से जो अपना बीजीएमआई लॉगिन नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ पे जो ट्विटर से अपना बीजीएमआई लॉगिन कर देते हो तो ये जो प्रोसेस है जो हमने अभी किया है अनलिंक का, ये फेल्ड हो जाएगा, आप लोग दोबारा से आपको ये दोबारा प्रोसेस करने पड़ेगा, तब आगे आप लोग का फिर से अनलिंक का टाइमिंग आएगा, तब आप लोग उसको अनलिंक कर पाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल जब भी आप लोग यहाँ पे जो जिस भी चीज़ को अनलिंक कर रहे हो उससे आप लोग को गेम को दोबारा ओपन नहीं करना, ठीक है। जैसे कि मैंने फेसबुक से अभी करंट टाइम ओपन कर रखा है और मैंने ट्विटर को अनलिंक पे लगा दिया है, तो अब मेरे को ट्विटर से गेम बिल्कुल भी लॉगिन नहीं करना है, मेरे को जो भी गेम खेलना है वो मेरे को फेसबुक से खेलना, ठीक है। अब जैसे मेरे 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक पॉपअप मिलेगा ट्विटर अनलिंक का, तो आपको सिंपल से उसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड आप लोग का ट्विटर अनलिंक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यही सिंपल सा प्रोसेस है एंड इससे आप लोग यहाँ पे अपना जो है
अकाउंट को अनलिंक कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड कोई भी यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड मेरे को जो है आपको कुछ जल्द भी जानकारी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। एंड बाकी आप लोग चाहो तो कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं कमेंट में भी आप लोग को सारा का चीज़ें जो बता दूंगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस होने वाला है जो है आपका जो है अनलिंक का प्रोसेस, जो कि आप लोग समझ गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड साथ ही जो लोग भी चैनल के ऊपर नए तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यार आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो देखना आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।